हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबके लिए कच्चा पराठा रेसिपी बना रही हूँ। अब बोलोगे कि बिना पके पराठा कच्चा पराठा खाएंगे कैसे। देखो दोस्तों, मैं कैसे बना रही हूँ। मैंने बाकी पराठे पहले से मैंने बनाकर रखा है और अब मैं आपको आपके सामने बनाकर दिखाती हूँ। दोस्तों ये देखो, मैंने पराठे को डाल दिया और इसे तुरंत पलटना है। बिल्कुल इसमें कोई भी दाग नहीं आनी चाहिए। देखो अभी दोनों तरफ से कच्ची है और इसके ऊपर मैं घी डाल दूंगी। इस पराठे को बनाने में समय की बहुत बचत है दोस्तों, और इतनी टेस्टी और सॉफ्ट बनती है कि मुंह में जाते ही भूल जाएंगे। देख लिया, और अब मैं पराठे बेल कर भी दिखाती हूँ। ये मैंने इसके अंदर, देखो जितनी देर में आपकी पराठे पकती उतनी देर में घी डालने के बाद ये पककर और बिल्कुल इतनी सॉफ्ट, आप देखो और इसमें समय इतना कम लगेगा कि आप सोचोगे कि जितने पराठे मैं 10 पराठे बनाते उस टाइम में आप 20 पराठे बना लोगे। देखो इतनी देर पकने में लगती, इसको इधर पलटो, एक तरफ ऐसे पलटो वैसे पलटो, इससे आपको बहुत टाइम लगती है पराठा बनाने में दोस्तों, लेकिन इस पराठे को बनाने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो मैंने पराठे डाले और उसके ऊपर से घी भी डाल दिया। अब एक घी के साथ साथ पराठे भी सीख रहे हैं अच्छे से। देखो देखो दोस्तों कैसे फूल रही है पराठे, देख लो। मैंने दूसरी पराठे बेला भी नहीं और ये पराठे बनकर रेडी हो गए। देख लिया आपने, देखो और कितने सॉफ्ट। इतने सॉफ्ट पराठे खाने में मजा आ जाएगा दोस्तों। एक भी पराठे थोड़ी भी हार्ड और कड़क नहीं बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट। देखो कितने खूबसूरत हल्की दम गुलाबी गुलाबी लग रही है। देखो गैस इसके